तो दोस्तों चलो इसके कान में भी डाल देते हैं इधर। तो दोस्तों ये देखो मुंगरी कुछ ऐसी हो रखी है तो इनको, और अभी ना बारिश भी आने लगी है, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया ये। और तो दोस्तों ये देखो इतनी मुंगरी ना हमारी आ चुकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और आज देखिए बारिश आ रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत इतनी लेट क्यों हो रही है, क्योंकि आज सुबह से ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मैंने सोचा आज मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाए हैं। तो आज थी हरियाली त्यौहार, जिसको कि हरेला त्यौहार बोलते हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं हरियाली, तो आज वही थी। तो अभी सुबह से तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई कि उसके दिन क्या क्या करते हैं हरियाली के दिन। तो हरियाली के दिन ना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो हमारे इधर के पंडित लोग होते हैं ना वो हमको हरियाली देने आते हैं, मतलब जो भी उन्होंने गेहूँ बोया रहता है वो हरा भरा वो देने आते हैं। तो वो अभी आए हैं क्योंकि इधर ना बहुत बड़ा इलाका है तो पंडित लोग ना कम ही हैं, तो अभी आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमें दे दिया है। तो मैंने ना अभी रखा भी नहीं है सर में, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको ठीक है कि कैसा होता है वो। तो वैसे जो हमारे पहाड़ी हैं कुमाऊनी हैं उनको तो सभी को, मतलब जो गढ़वाली कुमाऊनी है सभी को पता है कि क्या होता है, बाकी जिसको नहीं पता है तो ये देखो, तो ये होता है हरियाली जो कि वो हमें देने आते हैं। तो मुझे ना इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि होता क्या है। तो ये देखो ये कुछ ऐसा होता है जिसको कि ना हम लोग अपने सर पे और कानों में लगाते हैं। चलिए मैं भी लगा लेती हूँ। तो इसको ना अपने ऐसे कानों में लगाया जाता है, बाकी दीदी लोगों ने रख दिया है, मैं ना थोड़ा लेट आई थी। तो ये देखो कितने लंबे पौधे हो रखे हैं ना ये देखो। तो हरियाली में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब हमारे गढ़वाल साइड तो नहीं होता है, बाकी और कहीं होता होगा तो मुझे पता नहीं है उतना, बाकी नॉर्मली जैसे और त्यौहार मनाते हैं वैसे ही। बट हरियाली के दिन सिर्फ ये होता है कि पंडित लोग ना देने आते हैं, जो ये हरी घास, घास नहीं बोल सकते, जो ये हरा अनाज होता है उसको देने आते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मितांश की सैतानिया, क्या कर रहे हो आप बारिश में? तो ये क्या कर रहे हो आप? तो ये देखो बाकी आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों चलो इसके कान में भी डाल देते हैं इधर, ये वाला कान, ये हाय कितना क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा। मम्मी को जय कर दो, ऐसे ही करो हाथ से, ओ हाय गाइस बोलती, प्रणाम कर दे सबको। इसकी सैतानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ये देखो गिर गया था। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5 बजने वाले होंगे, तो अभी ना सासू जी गौशाले चले गए हैं और मैं और मितांश ना तब से यहीं घूम रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा मुंगरी का बाड़ा है ना, इससे मुंगरी निकालना है और उनको पकाना है, क्योंकि बंदर इतना परेशान कर रहे हैं ना कि डेली वो मुंगरी ले जा रहे हैं यहाँ से। तो ये देखो घर के ठीक सामने पे हमारा ये वाला खेत, फिर भी मुंगरी बची नहीं है, इसमें सब बंदर ले गए हैं। तो चलिए इसमें चलते हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी मुंगरी इसमें हो रखी है। बाकी अभी भी देखो हल्की हल्की सी बारिश लग चुकी है, बाकी आजकल चारों तरफ हरा भरा हो गया है ये। ये देखो और ये डांस कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हो आप डांस, क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों ये देखो मुंगरी कुछ ऐसी हो रखी है तो इनको तोड़ते हैं, इनके अंदर होगा कि नहीं होगा आप देखो। अब नीचे बांदर रखना है नीचे ना, ये दूसरा इसके अंदर मणि मणि। तो चलो अभी दिखाएंगे आप लोगों को, एक बार तोड़ देती हूँ मैं इनको, फिर दिखाते हैं है या नहीं है। तो दोस्तों मुंगरियाँ तो मैंने निकाल दी हैं, बाकी यहाँ पे देखिए कितना मस्त फूल हो रखा है ये, वाह ये कितना सुंदर फूल हो रखा है, पता नहीं कौन सा फूल है इसका, तो मेरे को नाम भी नहीं पता और ना ही मैंने पहले कभी देखा है। तो ये ना मिस्टर जी ने लगा रखा है, बाकी इधर साइड ना बहुत सारी मुंगरी हो रखी है बट इस पर है कुछ नहीं, और इधर जो ये कम पेड़ है ना इन्हीं पर कुछ था। तो चलिए अभी छिलके दिखाएंगे आप लोगों को कि कितनी मुंगरी हो रखी है उसमें, और अभी ना बारिश भी आने लगी है।
तो दोस्तों अभी हम छिल रहे हैं इन मुंगरों को, और ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया ये, और ये क्या है ये देखो, तो इसको डालते हैं। ग्लू आया था ये, अभी दीदी अभी छिल रहे हैं फिर बताते हैं आपको। अभी तो केवल एक ही निकला है इनमें से सही, ये देखो इसके ठीक ठाक है, बट इस पे देखो अलग अलग कलर। वाह, तो लवो बोल रहा है इसकी फोटो खींचनी है, क्यों खींचनी है इसकी फोटो, कुछ है भी इस पे? ठीक है, ये तेरे लिए है। हाँ, ये लबू के लिए है, ये देखो। और ये यहाँ पे तुमड़ी गिर चुका है, कैच आउट हो गया है तुमड़ी। ये बच्चों के साथ परेशान है, अब लबू भी गिर गया। अरे बिंदी क्यों लगा रखी है, यहाँ पे लगाओ। अरे नीला गुड़ रहे हो बाबा, तो ये तो सबड़े में पोषण मिलेगी क्या आज। तो दोस्तों मुंगरी तो इसके ना आज हम दाने बांटेंगे, देखो क्योंकि ये ना सबके लिए एक एक नहीं पहुंचेगा, तो इसके दाने इसको पका के फिर इसके दाने अलग अलग करेंगे, फिर सब बांटेंगे, है ना। ये तो सड़ा हुआ है, ये तो नया है। तो दोस्तों ये देखो इतनी मुंगरी ना हमारी आ चुकी है, बाकी इसको उबालते हैं। तो किस किस को मुंगरी उबाल के पसंद है कमेंट करके बताना, और किस किस को ना पका के। तो हम ना इसको उबालेंगे, इसलिए मैंने पतीली में रखा है देखो। और इसका घास भैंसों के काम आएगा, बाकी इन दोनों की शैतानी देखो यहाँ पे। और बारिश भी आने लगी है, ये देखो बारिश, बारिश मुझे बहुत पसंद है। वाओ, आप दोनों क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? ये देखो इन बिगड़े हुए बच्चों को। अभी ना दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ अभी सब्जी लेने के लिए, मतलब ढूंढने जा रही हूँ उधर, जो हमने लौकी का हमारा वो है ना लगुला, उस पर जा रही हूँ मैं लौकी लेने, यानी कि लौकी ढूंढने। तो मेरे बाल कैसे हो गए, तो बारिश देखो कितनी तेज़ तेज आ रही है, ये देखो फौज में देखो, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर है लौकी, तो देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है मेरे को लौकी सब्जी के लिए। उधर तो क्या ही जाना, उधर की लौकियाँ तो पूरी सड़ गई है, बट यहाँ पे ढूंढते हैं। तो इसके अंदर तो ना कुछ भी नहीं दिख रहा, शायद नहीं है यहाँ पे लौकी, नीचे दिख रहा है मेरे को एक, तो नीचे चलते हैं। और यहाँ देखो हमारी ना भिंडी भी हो रखी है, पर ये कैसे हो रखी है यार, इस बार ना भिंडी भी ठीक नहीं हो रखी, सारे सड़ चुके हैं। फाइनली मेरे को यहाँ पे एक लौकी दिख चुकी है, अब इसको घर ले जाके ना देखती हूँ मैं ये सड़ी है या नहीं सड़ी हुई है। सड़ी भी होगी तो इसको फेंक दूंगी, और नहीं सड़ी होगी तो इसकी सब्जी बनाते हैं। ये देखो कितनी बड़ी लौकी है, पर कोई भरोसा नहीं, ये ना अंदर से सड़ी भी हो सकती है, क्योंकि ये कैसे हो रखी है देखो। तो दोस्तों जो मैं लौकी लाई थी ना वो ठीक ही निकली है, तो मैंने इसको काट दिया है। और यहाँ पे देखो मैंने मुंगरी भी चढ़ा रखी है चूल्हे में, दिखाते हैं आप लोगों को। अभी ना यहाँ पे मुंगरी उबल रही है, ये देखो तो अभी ना ये उबली नहीं है, तो इसको उबलने देते हैं एक बार, फिर खाएंगे हम इसको। बाकी सब बैठे हैं अभी किचन में, ये तो मैं काटती हूँ एक बार, बट इसको इतना बचा हुआ है, कुछ ख़राब था वो मैंने अलग कर दिया है, तो इसको धो के इसकी बनाएंगे हम टेस्टी वाली सब्जी। तो यहाँ पे ना मेरी सब्जी भी कट चुकी है, और हमारी मुंगरी ना अभी तक भी नहीं उबली, तो वो अभी चूल्हे में है। तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे अभी आम, और ये मितांस भी आ चुका है। अब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? ये भी आ गया आम खाने, और लबो भी आ गया। तो ये आम ही आम हो रहा है, ना खा गुलू, देखो
ये देखो हमारी मोगरी जी जो थी ना वो उबल चुकी है, तो मैं इनको निकाल दूँ अभी, ये आई नहीं रहा। ये देखो ज़्यादा तो नहीं है, ये कम ही है, पर हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। ये आप लोग भी आओ मूली खाने। ये देखो अभी पूरी तरह पक चुकी है, इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है, नमक से ना ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये देखो ये मूली जिस पर दो तीन ही हो रखे हैं, तो ये भी गर्म हो रखे हैं, देखो छोटी छोटी। तो ये है हमारे मूंगरी जो कि पक चुके हैं, अब इनको हम खाएंगे, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर लेंगे टेस्टी टेस्टी मूंगरी का आनंद। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी रख दी है चूल्हे में लौकी की, तो आप लोग भी आओ मूंगरी खाने। ये सीजन की मूंगरी हमने एक दिन पहले भी खा ली, पर ये लगता है लास्ट मूंगरी, अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी, देखते हैं क्या होता है। मूंगरी खा ली है और मैंने अब तक आटा गूंदा, अब बनाएंगे रोटी। और मिताज यहाँ पे अपने पापा के साथ पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। क्या कर रहे हो गली में? लव दिया तीन बार, तीन बार, तीन बार, तीन बोल, वन तीन बोल, टू तीन बोल।